परीक्षाओं में नकल के कारण से उनके साथ में जो धोखा हुआ, उनके भविष्य के साथ में जो धोखा हुआ, धोखे के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मंच पे खड़े होकर के मीडिया के सामने कहा कि न तो कोई अधिकारी दोषी है और न ही कोई नेता दोषी है। अब अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं, आरपीएससी के मेंबर भी पकड़े जा रहे हैं, अभी तो पकड़े जाने की शुरुआत हुई है। मित्रों, राज बदलने दो, जब सीबीआई की जांच होगी तो ये कई लोगों के गले तक किसा जो है, इस कांग्रेस पार्टी के कई लोगों के गिरेबान तक पुलिस का हाथ पहुंचने वाला है और कई लोग जेल पहुंचने वाले हैं। युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली इस सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? जोर से कहिए, बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? बोर्ड परीक्षा 2023 के रिजल्ट की हर अपडेट पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2023 की हर अपडेट सबसे पहले दूंगा।